अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह हसन और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ेंगे 4+ जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 9 प्रेयर्स। डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेयर्स, यानी के दुआएं। हमारे प्यारे दीन इस्लाम में कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हमें बताई गई हैं और हमारे लिए रोज़मर्रा के कामों में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि इन दुआओं का पढ़ना उनके लिए कितना मुफीद है और उनके कामों में कितनी बेहतरी लेकर आता है। ये दुआएं कौन सी हैं? खाना खाने से पहले की दुआ है, शैतान के शर से बचने की दुआ है, जब हम किसी से कुछ लें या किसी की तारीफ़ करें तो उस वक्त की दुआ। आइए चलते हैं अपने सबक प्रेयर्स की तरफ और देखते हैं कि सबक में हमें कौन कौन सी दुआएं बताई गई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ प्रेयर्स, यानी कि दुआएं। यहाँ पे कुछ मखसूस दुआएं हैं जो हमें रोज़ाना अपने रोज़मर्रा के कामों को शुरू करने से पहले पढ़नी चाहिए। नंबर 1, सेताउस, शैतान से कट, शैतान के शर से बचने की दुआ, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 2, खाना खाने से पहले की दुआ या कोई भी काम शुरू करने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3, से टू प्रेज समथिंग, जब हम किसी की तारीफ करें तो हमें क्या कहना चाहिए, माशाल्लाह। नंबर 4, से बिफोर डूइंग समथिंग, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें क्या कहना चाहिए, इंशाल्लाह। नंबर 5, प्रेयर वाइल सेइंग थैंक यू, जब आप किसी से कुछ लें तो उसके शुक्रिया अदा करते हुए आपने क्या दुआ पढ़नी है, जज़ाकल्लाहु। डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आपको प्रेयर्स यानी हमारी जो मखसूस दुआएं हैं इनके बारे में पता चल गया होगा। आपने ये दुआएं अच्छे से याद करनी है और जब भी आप किसी से कुछ लें या कुछ खाने लगें या कोई भी काम शुरू करने लगें तो आपने पहले इन दुआओं को पढ़ना है।